हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। अभी का सीन ये है कि मैं पी रही हूँ चाय। चाय के साथ भाभी सारे बनाए बथुए का पराठा। बथुए का पराठा, बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं, मेरे दोनों बच्चे नहा रहे हैं, फिर उनको मैं रेडी करूँगी, मम्मी नहला रही हूँ उनको। और आज का ये सीन है कि मैं जाऊँगी अपने फ्लैट पर, जो हमारा फ्लैट है हमारा खुद का, तो हम मैं आज उस पर जाऊँगी, वहाँ पे रेंट पे रहते हैं, तो आज उनसे मिलना भी हो जाएगा। और इतने दिन हो गया, एक साल से ऊपर हो गया, मैंने घर को देखा भी, तो घर भी देख लूँगी। वहाँ मेरी फ्रेंड भी रहती है, जो हमारे नेबर भी थे और मेरी फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं उनसे भी मिल लूँगी। तो फिर मैं आज जाऊँगी और आपको घर भी दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ मेरी सोसाइटी के बाहर, जहाँ पर मेरा फ्लैट है। ये देखो, ये जो पीछे सोसाइटी है, इसी में मेरा फ्लैट है। मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से बैक कैमरा करके। इस सोसाइटी में मेरा टॉप फ्लोर पे है, पेंट हाउस है हमारा फ्लैट जो है। तो मैं अंदर जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी जो रहते हैं रेंट पे, उनसे मिलवाती हूँ। अंदर मेरी फ्रेंड्स भी हैं, जो मेरे नेबर थे, मेरे फ्रेंड्स थे, और वो लोग मेरा वेट भी कर रहे हैं। तो उनसे चलते हैं, मिलते हैं और आपको मिलवाती हूँ। मैं आ चुकी हूँ और ना इस फ्लैट में मेरे को मतलब एक साल से ऊपर हो गया है कि मैं मतलब लखनऊ शिफ्ट हुए थे, उसके बाद हम एक बार रहते, उसके बाद हम फिर आए ही नहीं। मतलब मम्मी की तो आती रहती हूँ, पर यहाँ पे आना हुआ ही नहीं। तो मैं एक साल के बाद यहाँ पे आई हूँ। मेरा घर मैं अब देखूंगी। ये गैलरी है पीछे पूरी, देखो। तो मैं अपने फ्लैट में आ गई हूँ और भाभी मुझे मिल गए हैं। और ये बहुत बहुत अच्छे हैं। मतलब हमको कभी ये नहीं होता, ये मैं दिल से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं व्लॉग के लिए बोल रही हूँ, हमको कभी ये नहीं होता कि हमको हमारे घर जाना है, हमारा घर देखना है, हमको हमारा घर संभालना है। अभी एक साल के ऊपर हो गया ना मुझे आए हुए, पिछले बार समर वेकेशन में, 2 साल हो गए मुझे, एक साल से ऊपर हो गया यहाँ पे आए हुए ना। तो मैं आज आई हूँ कि मैं मिल लेती हूँ इनसे। और गौरव का कार्ड आया हुआ पड़ा था, तो कार्ड भी ले लूंगी। हम कार्ड भी मुझे दे दो, तो भूल जाऊंगी गौरव की एड्रेस यहाँ के हैं। तो फिर गौरव का कार्ड यहाँ पे आया हुआ पड़ा था, तो वो भी ले लूंगी। तो ये मैंने ले लिया है। और भाभी ने बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट बना के दिया है, उन्होंने मेरे ब्लॉग में देखा कि गोपू का बर्थडे था। ये देखो भाभी, इनके पास ये वाला टैलेंट बहुत अच्छा है, मैं देखती रहती हूँ। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले रोज डे पे रोज भी बना के रखा हुआ था। ये रहा, निकाल लूं। ये देखो, इन्होंने अपने हाथ से बनाया वुलन का। एक और बना देना मेरे लिए। हाँ, अभी वो ना लगेगा यार, एक दिन पहुंचाऊंगी कैसे। चलो हम देते हुए जाएंगे, आना ना मम्मी के घर पे। हाँ, हम देते हुए निकलेंगे। ये लड्डू के लिए दिए, देखो कितनी सुंदर सी ड्रेस, पर लग नहीं, अच्छा खासा टैलेंट है आपके पास में। मैं यहाँ रहती तो जरूर सीखती, मुझे सारे काम अच्छे लगते हैं, बस कोई सिखा दे। जिंदगी में यही टाइम पास है, नौकरी छोड़ने के बाद क्या करना है, बैठे ठाले टाइम पास है बस। तो टाइम पास कर रहे हैं। अब भाभी मुझे, भाभी अपना घर दिखाएगी, अभी भाभी का घर है, भाभी मुझे दिखाएगी। हम दोनों का घर है। हम यहाँ पे 2017 में लिया था हमने, हम कब तक रहे, 20 तक, आप 20 में शिफ्ट हो ना। हम 20 में यहाँ से लखनऊ चले गए थे, चियावीरू होके यहीं पे आई थी। और बहुत सारी यादें है छोटी सी इस घर से। चियावीरू को याद नहीं है, पर ये वाला घर इनका कोई घर है। मैं लेके आती हूँ उनको यहाँ पे, पर मैं स्कूटी से आई हूँ तो स्कूटी पे सेफ नहीं है, तो उनको लेके नहीं आई मैं। तो कब दिखाओगे मुझे घर? चलो आप देखो घर। चलो भाभी अभी दिखाते हैं, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरा घर। ये देखो हमारा फ्लैट नंबर 1217। ये देखो आ गई मैं। ये ऊपर के लिए स्टेयर्स जा रही है, ये पेंट हाउस है, ऊपर भी रूम बना हुआ है और ऊपर के लिए स्टेयर्स जा रही है। भाभी ने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे पहले मैंने अपनी फोटो लगाई हुई थी, जो मुंबई चली गई है। देखो ये यहाँ पे शूज एरिया है, देखो ये हमने अध्ययन कैंसिल करा, जूते इसके आगे आए ना तो जूते फेंक दूंगी मैं। और भाभी को प्लांट से बहुत ज्यादा प्यार है, और भाभी ने टेरिस को ही पूरा गार्डन बना के रखा हुआ है ना। आ जाओ बेडरूम में। हाँ, बिल्कुल आओ, बिल्कुल आपका घर है भाई, सब जगह आओ।
नहीं नहीं बाथरूम नहीं दिखाना, ये एलईडी पैनल और ये अलमीरा, आपको वो वाली अलमीरा आपकी वो फेवरेट होगी मेरे ख्याल से तो, यही ना मेरी भी यही फेवरेट थी क्योंकि इसमें ना वो ड्रॉअर काफी अच्छे बने हुए। ये हॉल है, नहीं भाभी आपने ना पिछली बार से और अच्छा डेकोरेट कर लिया, व्हाइट वॉश से रौनक है। हाँ किचन में जाऊं? सब चले जाओ। ये किचन और भाभी ने वो भी रखा हुआ है सिलवट्टा, ये देखो इसकी चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है नहीं मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी पीसी हुई चटनी। और ये वॉशिंग एरिया है, भाभी आपने क्या रख रखा है यहाँ पे? ओ गई गजब, भाभी ने तो स्टोर रूम बना दिया इसको पूरा। हाँ बना लिया है वॉशिंग एरिया, मैंने इधर वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। हाँ, हमने ऊपर वाले बाथरूम को बना दिया, वो यूज नहीं होता ना। हाँ, तो वहाँ कपड़े सुखाने में यूज होता है। ये बच्चों का, ये सेकंड बेडरूम है अध्ययन और ज्ञान का, इनके दो बेटे हैं उनका बेडरूम है। वहाँ पे मैंने भी मंदिर रखा हुआ था, भाभी ने भी मंदिर रख लिया, सही स्पेस है ना। ये देखो पहले मेरे पास लड्डू थे इसी घर में, भाभी भी इसी घर में आके लड्डू ले आई, घर में नाम रखा है लड्डू, लड्डू लड्डू देखो कितने सुंदर है, पता नहीं तीन नंबर है ना भाभी, चार नंबर है। और ये लड्डू का बिस्तर, तो फिर मतलब घर सूना नहीं है, लड्डू आ गए वापिस। हाँ। हमारा मन हुआ, हमने सोचा था हमसे कैसे सेवा होगी, रोज पानी देना, प्रसाद देना, अब हो रहा है ना सब करना, बहुत परफेक्टली नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है। जैसे हम कहीं जाते हैं आप ही तरह लेनी जाते हैं। अच्छा। तो हम ये भाभी का मंदिर सुंदर सा, पता नहीं क्यों ये इस घर की ही लीला है, यहाँ पे आ गए ये, मतलब सीलिंग आ गई, लीले आते हैं साथ में लेकर जाया करो, छोड़ के मत जाया करो, जब कभी जाओ तो मेहनत लगती है, टोकरी रहती है इनकी तो उस पर ले जाया करो। ये बालकनी है तो मैं इधर जा नहीं रही, ऊपर जाएंगे अपन, चलो ऊपर चलते हैं। आपके जो इन लॉज आते हैं उनको कैसा लगता है? इन लॉज को भी अच्छा, अच्छा लगता है। चलो इन लॉज जनरली ऊपर वाले रूम में रहना पसंद करते हैं। आपने सारे स्पेस काफी अच्छे से यूटिलाइज किया है। पहले सोचा था कि ऊपर किचन बनाएंगे पर वो सक्सेस हुआ नहीं, तो हमने अच्छा। वॉलपेपर लगाया कि गंदी ना हो दीवार। सही है सही है। कौन में जाता है? ये क्या? सही है पर वो हुआ नहीं हमसे। ये है मेरा सबसे फेवरेट रूम, ट्यूशन रूम। बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने? हाँ ये मेरा सबसे फेवरेट रूम है। ये अच्छी लगती है ना इस पे? बहुत अच्छी है ना, पता है मुझे बहुत। हाँ हाँ सब कुछ प्राइस दिखाऊं, देखो ये तोता आता है तो तुम्हें ऐसी नहीं आई। कौन सा? ये तो ये हमेशा आता है, ये उड़ के अपने आप आता है, रहता है यहाँ पे, लगा हमने पाला नहीं अपने आप पल गया। अरे ये कैसे पता आपको? ये पे पवन में ये अच्छा, तो उन्होंने बोला था कि किसी का तो मरे हड़के आ गया। हाँ और देखो मैं जिसकी बात कर रही थी, मेरी फ्रेंड भी आ गई है, ये री वर्षा और इसकी डॉटर आदु। आदु हाय। वर्षा से मैं अच्छे से मिलवाऊंगी। और इनके और भी पक्षी है ना, कहाँ गए? और ये रे आप। तो फ्रेंड्स आपने सारा घर देख ही लिया है और देखो गार्डन कितना मस्त बनाया हुआ है, ये देखो पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। कौन से फ्लोर पे? 12th फ्लोर पे, 13th ही हो गया ये तो, 13th हो गया। हाँ 13th फ्लोर पे पूरा गार्डन बनाया हुआ है, बर्ड्स और है। देखो इनके पास मिट्टू जो अपने आप आया हुआ है अपनी इच्छा से, उसी को ही खाना खजाना चल रहा है शायद, वहीं सो जाता है। चार पांच दिन पहले पवन भैया के थे तब देखा था, हमारे महीने भर से मिट्टू मिट्टू मैंने तब देखा था उनके, वो से तो उनके यहाँ कब से आ रहा पता नहीं, उनके अभी आ रहा होगा क्योंकि मिठू फिर वापस यहीं आके बैठ जाता है। मैंने उस दिन देखा था, चार दिन पहले देखा था। हाँ फोटो खिंचा लो अपनी। हाँ हाँ क्या बात करोगे आप? मिठू बोलोगे? मिठू बेटा मिठू मिठू हाँ मिठू बेटा मिठू बेटा चलेगा मेरे साथ मुंबई? चलेगा चलेगा मिट्टू चलेगा मुंबई? हाँ हाँ यही रहना है, मुंबई चलना है। गोवा चाहिए वापिस, गोवा ले गई मैं वापिस लाऊ। हाँ मिट्टू मिट्टू ये जरूर, ये भी अच्छी रहती है, नहीं तो ये किसने दे दिए?
लो ना बेटा आगे आगे जा रहे हो। ये अंकल को जानते हो क्या? ये उन्हीं को भी खिला है। अच्छा। उनके पास लो उनसे बर्ड्स संभल नहीं रहे। खाओ और ज्ञान को इतने बड़ा खाओ बड़ा था तब तो खाओ ना। तो बस एक दिन तो वो फैल गया। हम भी बर्ड्स ले मिटू हमारी ले जाओ हमसे मैनेज नहीं हो रहा। मिटू वो आंटी ने दे दी। दोस्त बन गया है मेरे से बातें कर रहा है बराबर पता नहीं अपनी जान में डिबेट कर रहा है मेरे से क्या कर रहा है पर कुछ तो कर ही रहा है मेरे से। मिटू वो लड़ रहा है कि ची और मिटू 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 क्या वो ना लड़ रहा है कि ची और वीरू को क्यों नहीं लेके आए। चिया वीरू को स्कूटी पे कैसे लाती? वो तो इधर उड़ती थोड़ी है। चिया वीरू के पापा ने मना कर दिया था स्कूटी पे चिया वीरू नहीं जाएगी। मिटू 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 अभी मिटू बेटे समझ में आया? हां बोलता है मिटू बेटे मिटू बेटा। हम अब जा रहे हैं भाभी को बाय कर रहे हैं और फिर मैं अगली बार आऊंगी तो फिर मिलूंगी। काफी टाइम बाद में भाभी से मिली और मुझे तो बहुत मजा आया। बहुत अच्छा बहुत सारी बातें करी और पहली बार इतनी सारी बातें करी क्योंकि पति नहीं थे हस्बैंड नहीं थे तो हमने खूब सारी बातें करी ना भाभी के थे ना वर्षा के थे ना मेरे थे तो लेडीज टॉक हुई बहुत और हमेशा है जब भी आप आओ जयपुर मैं जयपुर आऊंगी और भाभी से फिर मिलवाऊंगी। तो अब मैं आ गई हूँ वर्षा के घर पे। वर्षा का 10th फ्लोर पे है मेरा 12th फ्लोर पे है जो मेरा फ्लैट था और अब मैं बैठी हूँ आदू के पास में। वर्षा कोई काम करने गई है और मैं और आदू बैठे हैं ना। आदू क्या खा रही है? क्या खा रही है आदू? आदू खा रही है गुआवा। और आदू जब मैं वर्षा साथ में बैठते जब आदू थी 6 मंथ की या 6-7 मंथ की थी और मैंने चिया वीरू को कंसीव किया हुआ था। हम दोनों यहीं पे मैं वर्षा के पास आ जाती थी ऊपर से नीचे और आदू को खिलाते रहते थे बातें करते रहते थे 2-3 घंटे साथ में लेते रहते थे और टाइम पास करते रहते चाय पी लेते बैठे रहते लेट जाते सो जाते ऐसे करते रहते और अच्छा टाइम पास हुआ था मतलब अच्छा टाइम निकला था। हम दोनों खूब सारी बातें करते थे इस रूम में नहीं करते थे पर दूसरे रूम में करते थे इस वाले रूम में करते थे। आज मैं तीनों बाद में इस घर में आई हूँ बहुत दिन हो गए मुझे आए है ना। और ये रही वर्षा लाइट ऑन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स ये रही वर्षा हम दोनों खूब सारी बातें करते थे। हाँ हम इस वाले रूम में करते थे इस वाले रूम में करते थे पढ़े रहते थे हम यहाँ पे लेटे रहते थे पूरा टाइम इस रूम में पड़े रहते थे। रूम में लेटे रहते थे और खूब सारी बातें करते थे दुनिया जहान की सारी बातें कर लेते थे और आदू का देखते रहते थे ये सो गई उठ गई खिला दिया पिला दिया और मैं मेरे बच्चे पेट में फिर ये दोनों चिया भी रुई फिर मैं कम आती थी कम क्या आती थी उस टाइम कोविड आ गया था। मैं मम्मी के रही काफी टाइम तक फिर हम आए यहाँ पे फिर दोनों बच्चों को लेके आना नहीं होता था फिर वर्षा मेरे पास ऊपर आती थी फिर गौरव का ट्रांसफर हो गया फिर मैं चली गई। तब से उसके बाद से हम बहुत कम मिल पाते उसके बाद हम दूसरी बार ही मिले ट्रांसफर क्योंकि इससे पहले मैं एक बार और आई थी नहीं आपने आई थी ये मम्मी के घर पे मेरे से मिलने आए थे। ऐसी बात नहीं है कि मतलब मिलते तो हैं हम जब मौका मिलता है जब मौका मिलता है अगर मैं 3-4 दिन के लिए आई हूँ तो नहीं मिलते मैं लंबा आती हूँ तो हम पक्का और हम कॉमन होते हैं जयपुर में बहुत बार ऐसा हुआ है मैं कभी ये पियर गए हुए होते हैं इनका यूपी में राखी पे आई है मैं राखी पे अपने घर थी एक दो बार ऐसा हुआ ये मेरठ गए हुए थे अपनी मम्मी राखी पे और मैं मम्मी के आई थी अपनी मम्मी के मैं अपनी मम्मी के तो आज हम मिल रहे हैं बहुत दिनों बाद में तो आज तो वापिस घर जाने का टाइम आ गया है और ये यहाँ पे है मंदिर जो अभी बंद है मंदिर है बंद है और ये हमारी सोसाइटी का गार्डन है सोसाइटी का गार्डन है तो चलो मैं जा रही हूँ घर क्योंकि काफ़ी देर हो गई चिया वीरू को भी छोड़े हुए वैसे तो सो गई थी अब पर उनका उठने का टाइम हो गया है तो चलते हैं बहुत देर हो गई बच्चों से ही मिले हुए बच्चों के पास जाते हैं।
आ गई थी और मुझे वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगा। इतने टाइम बाद में खुद के घर को देखा, बहुत अच्छा लगा। मेरी फ्रेंड जो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, मैं उससे मिली, खूब सारी बातें करी, मतलब ऐसे मन हल्का सा हो गया। इतने टाइम बाद में अपन मिलते अपने दोस्तों से तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं थोड़ी सी है ना टायर्ड भी हूँ, बच्चों के साथ मस्ती वस्ती कर ली, थोड़ा बहुत कुछ काम भी कर लिया और अब डिनर विनर करेंगे। और आज देखो मेरे लड्डू की ड्रेस, देखो हुडी वाली ड्रेस पहनी हुई है लड्डू ने, और ये गोपू, लड्डू ने मस्त हुडी वाली जैकेट वाली ड्रेस पहनी हुई है। और आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करूंगी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और गुड नाइट, बाय।